Welcome UGC Hub to all members and thank you for subscribing us and liking all our video. So first topic is teaching aptitude जो कि हमारा जनरल पेपर वन का फर्स्ट लेसन है. इसका मेन टॉपिक है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग जो हम आज डिस्कस करेंगे. इसमें आपका बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है. तो आपका फर्स्ट टॉपिक है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग. आई होप आप इस चैनल के साथ अपनी दोबारा से अच्छे से फ्रेश प्रैक्टिस कर सको और हम यहाँ पर एक एक टॉपिक आपका यहाँ पर ऐसे ही डिस्क्राइब करेंगे. सो वी स्टार्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग. बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग द फर्स्ट रिक्वायरमेंट आप बोल सकते हैं द फर्स्ट मेन प्रोपोनेंट इज द टीचर. सेकेंड इज द लर्नर एंड थर्ड इज द सब्जेक्ट और टॉपिक एंड फोर्थ इज द एनवायरमेंट. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज द टीचर. अब आप देखिए द टीचर में मोस्टली क्या होता है. हम यहाँ पर द टीचर में द टीचर होता क्या है. इट इज एन इंडिपेंडेंट टूल एंड द लर्नर इज अ डिपेंडेंट टूल. आपको एक पहले याद रखना है टीचर है एक इंडिपेंडेंट टूल जिसके ऊपर एक लर्नर डिपेंड होता है. सो द टीचर इज एन इनोवेटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. ही इज द क्रिएटर एंड ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज कोमा वैल्यूज एंड इथोस टू अवर यंगस्टर्स फॉर लेटर्स फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट. अब आप यहाँ पे एक बार ध्यान रखिए एक टीचर जो है वो क्रिएटर भी है. किसका? इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का. और ट्रांसमीटर भी है. अब ट्रांसमीटर क्या होता है? देखिए ट्रांसमीटर होता है जैसे इनकोड करना. आप जैसे कोई मैसेज आपने किसी को रिसीव करना है किसी को भेजना है तो आप उसे किस लैंग्वेज में या किस मीडियम के थ्रू से सेंड करना चाहते हो या कैसे उसको समझाना चाहते हो कैसे आपकी कम्युनिकेशन होगी तो वो है आपका ट्रांसमीटर. सो ही इज द क्रिएटर एंड ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज वैल्यूज एंड इथोस टू अवर यंगस्टर्स फॉर लेटर फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट. सिर्फ ओवरऑल आपको डेवलपमेंट देखनी है तो क्वेश्चंस कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं कि किस टाइप की डेवलपमेंट. तो वहां पर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देखनी है. नाउ इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग द टीचर इज द मेन व्हीकल. जैसा हमने बात की टीचर इज एन इंडिपेंडेंट टूल एंड ही नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन द सोसाइटी. सो द टीचर मास्टर्स ओवर हिज सब्जेक्ट and uses an effective language for the communication in order to bring a positive change in the behavior of the learner. Since it is the age of science and technology, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उतनी ही इम्प्रूव हो रही है और उस वजह से एक टीचर को चाहिए कि वो अच्छे मीडिया कम्युनिकेशन का यूज करे इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग में. सो दिस इज द पार्ट ऑफ टीचर जो आपको मैंने समझाया. नाउ सेकेंड रिक्वायरमेंट जैसे हमने बात की थी द फोर रिक्वायरमेंट्स होती हैं. फर्स्ट इज द टीचर सेकेंड इज द लर्नर. अब लर्नर इज एन इंडिपेंडेंट आपको बताया था लर्नर इज अ डिपेंडेंट वन. किस पर डिपेंडेंट? टीचर पर. एंड इमेच्योर ही हैज टू कोऑपरेट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विद द टीचर एंड ट्राई टू गेट एज मच इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एज पॉसिबल फ्रॉम हिम. He must follow the teacher for understanding and getting knowledge. Obviously, एक टीचर जो है वो उनको अंडरस्टैंड भी कराते हैं और उनको नॉलेज भी प्रोवाइड करवाते हैं. ये लर्नर का काम है कि वो उसे कैसे लेता है. अब लर्नर बहुत टाइप के होते हैं. लाइक कैटेगरीज में आप देख सकते हैं प्राइमरी स्कूल के लर्नर्स, एलिमेंट्री स्कूल के लर्नर्स, सेकेंडरी स्कूल के लर्नर्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज. तो दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग. नाउ थर्ड इज द टॉपिक. जैसे अब मैंने आपके सामने ये टॉपिक लिया बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग अपनी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए. सेम वैसे ही एक सब्जेक्ट हमेशा एक चाहिए होता है एक टीचर को एक लर्नर के साथ कम्युनिकेशन के लिए. द सब्जेक्ट इज द मेन कंसर्न इन द होल एंडेवर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. द टॉपिक इज जनरली डिसाइडेड बाय द टीचर. बट पहले क्या होता था? पहले ऑटोक्रेटिक इन्वायरमेंट था तो वहां पर जो टीचर होता था वो बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक होता था, रूलर होता था. तो उस वजह से लर्नर उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता था कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है. बट आजकल जो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है तो यहाँ पर लर्नर कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन डिसाइडिंग अ टॉपिक. सो दैट अ बैलेंस एंड हारमोनियस डेवलपमेंट टेक प्लेस. इट इज फॉर द टीचर टू प्रिपेयर नेसेसरी चार्ट्स, मैप्स, टेबल्स एंड मॉडल्स
दैट पर्टेन टू द डिसाइडेड टॉपिक. जैसे हमने यहां पर बात की थी कि एक टीचर को लेटेस्ट मीडिया कम्युनिकेशन की जरूरत है, सेम वैसे ही हमारे चार्ट्स, मैप्स, टेबल्स एंड मॉडल्स हमारे मीडिया कम्युनिकेशन का ही पार्ट है. सो मीडिया पेस टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एड्स मे ऑल्सो बी मेड अवेलेबल बाय द टीचर टू मेक द टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडेबल. आई होप यू अंडरस्टैंड द थ्री मेन टॉपिक. फर्स्ट इज द टीचर, द लर्नर एंड फाइनली द टॉपिक. नाउ फोर्थ इज द एनवायरमेंट. सी द लर्नर्स ग्रोथ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. This is possible only when there is a suitable environment for the teaching learning process. The teacher as such create such environment and nurture the learners in that environment. Learners are not passive object. Obviously, learner ek bhi active hai aur jo teacher hai wo bhi active hai. But aapko pata hai ek medium hota hai lecture based teaching mein jisme learner passive hota hai. So for long, the child or the learner was viewed as a natural or given category. This undermined the importance of the fact that the development of the learner is intimately linked to changes in the socio-cultural and historical condition in a given society. So, यहाँ पर हम ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं. सिर्फ एक क्लास में जो हमारा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होता है किसके थ्रू होगा वो आपको भी पता है, वो होता है टीचर के थ्रू लर्नर का. तो वो भी हमें यहाँ पर डिसाइड करना है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, लाइक जो सोशियो कल्चर में भी वो अपने आप को इन्हांस कर सके और हिस्टोरिकल कंडीशन के बेस पर भी एक लर्नर का इन्वायरमेंट कंसीडर कर सके. सो दिस इज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जिसमें हमें फोर मेन रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग चाहिए होती है. आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे द टॉपिक, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टॉपिक, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग. थैंक यू सो मच.